हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द फ्यूबल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं मैप ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मानचित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कहां पास स्थित है, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, मध्य प्रदेश के किन किन जिलों की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, मध्य प्रदेश के किन जिलों की सीमा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ लगती है, मध्य प्रदेश के किन जिलों की सीमा जो है महाराष्ट्र राज्य के साथ लगती है, मध्य प्रदेश के किन जिलों की सीमा गुजरात व राजस्थान राज्यों के साथ लगती है, और अगला हम पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है। ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास के अंतर्गत। आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, यहां पे जो है एक से दो नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है चार क्लास लिए थे और उसमें हमने टॉपिक कवर किया था मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन, मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया कहां से शुरुआत हुई और मध्य प्रदेश में कौन से जिले का निर्माण कब हुआ, पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी, पार्ट सी और विंध्य प्रदेश भोपाल रियासत के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है मैप ऑफ मध्य प्रदेश। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो है मध्य प्रदेश का जो है मैप है, और बात करें कि भारत के मैप में जो है ये कहां पास स्थित है, तो ये जो है भारत के मैप पे जो है सेंट्रल पर स्थित है। कहां पास स्थित है? सेंट्रल पर स्थित है, और एकदम सेंटर पर स्थित होने के कारण जो है इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे जो है हम हार्ट ऑफ इंडिया या कह सकते हैं हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। हृदय प्रदेश की संज्ञा जो है किसके द्वारा दी गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई थी। अगला हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो मध्य प्रदेश का मैप है इसमें जो है कौन सा जिला कहां पास स्थित है, और यहां से जो है आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश के मैप से, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों के साथ लगती है, तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों वो पांच राज्यों के साथ लगती है। बात करें मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा लगती है वो किस राज्य के साथ लगती है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है। किस राज्य के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है मध्य प्रदेश की जो है उत्तरी सीमा। मध्य प्रदेश की जो है पूर्वी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो है पूर्वी सीमा जो लगती है वो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ लगती है। किस राज्य के साथ लगती है? छत्तीसगढ़ राज्य के साथ लगती है। मध्य प्रदेश का जो है विभाजन नहीं किया गया था सन 2000 से पहले, तो मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा जो लगती थी वो किसके साथ लगती थी? बिहार और उड़ीसा के साथ। और बात करें वर्तमान मध्य प्रदेश की जो है दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो आपको याद रखना है वर्तमान मध्य प्रदेश की जो है दक्षिणी सीमा जो लगती है महाराष्ट्र राज्य के साथ, महाराष्ट्र राज्य के साथ लगती है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो ये पश्चिमी सीमा लगती है वो किस राज्य के साथ लगती है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो गुजरात राज्य के साथ लगती है। किस राज्य के साथ लगती है? गुजरात राज्य के साथ लगती है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो उत्तर पश्चिम मतलब कि नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा लगती है वो किस राज्य के साथ लगती है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान राज्य के साथ लगती है। किस राज्य के साथ लगती है? राजस्थान राज्य के साथ लगती है। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो टोटल सीमा लगती है वो कितने राज्यों के साथ लगती है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो कुल सीमा लगती है वो कितने राज्यों के साथ लगती है, तो आपको याद रखना है कि पांच राज्यों के साथ लगती है। और जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था मतलब सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती थी, तो आपको याद रखना है सात राज्यों के साथ लगती थी, ठीक ना। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। अब एक एक करके जो है मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें यहां से स्टार्ट करते हैं, तो यहां पास जो है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला स्थित है, तो आपको याद रखना है यहां पास स्थित है मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला। कौन सा जिला स्थित है? श्योपुर जिला स्थित है। फिर बात करें कि मध्य प्रदेश के जो है ठीक श्योपुर के आगे जो है यहां पास कौन सा जिला स्थित है, तो आपको याद रखना है मुरैना। कौन सा जिला स्थित है, तो आपको याद रखना है मुरैना जिला स्थित है,
ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश का जो है सबसे उत्तरी जिला भी माना जाता है। तो यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है मुरैना जो है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ पास जो है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला स्थित है, तो आपको याद रखना है भिंड जिला स्थित है। कौन सा जिला स्थित है, भिंड जिला स्थित है। ठीक इसके जो है हम आए कौन सी दिशा में, साउथ वेस्ट दिशा में आए, तो यहाँ पास आपको मिलेगा एक संभाग जिसका नाम है ग्वालियर संभाग। कौन सा संभाग मिलेगा, ग्वालियर संभाग मिलेगा। ठीक ग्वालियर के ईस्ट में बात करें तो यहां पास कौन सा जिला स्थित है, तो आपको याद रखना है दतिया जिला स्थित है। कौन सा जिला स्थित है, दतिया जिला स्थित है। ठीक बात करूं मैं ग्वालियर जो डिवीजन है, ग्वालियर डिवीजन के नीचे जो है कौन सा जिला स्थित है, तो आपको याद रखना है शिवपुरी। शिवपुरी जो है जिला स्थित है ठीक ग्वालियर जो है डिवीजन के साउथ जो है डायरेक्शन में, ये आपको याद रखना है। अगला बात करें शिवपुरी के नीचे जो है साउथ में कौन कौन से जिले हैं, तो शिवपुरी के नीचे जो है दो जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं, तो आपको याद रखना है पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुना जिला। कौन सा हो जाएगा, गुना जिला। और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक नगर। कौन सा जिला हो जाएगा, अशोक नगर जिला। कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों, अशोक नगर जिला हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है श्योपुर, फिर बगल में है उसके मुरैना, फिर भिंड, भिंड के नीचे फिर ग्वालियर, ग्वालियर के ईस्ट में है दतिया, दतिया फिर इधर आ जाएगा ग्वालियर के साउथ में शिवपुरी, फिर साउथ में जो है शिवपुरी के दो जिले हैं गुना और अशोकनगर। फिर इसी अशोकनगर के नीचे जो है एक जिला आता है जिसका नाम है कौन सा जिला, तो आपको याद रखना है विदिशा जिला। कौन सा जिला आता है, विदिशा जिला आता है, ठीक है ना। ठीक विदिशा जिला के जो बगल में आता है मतलब ईस्ट डायरेक्शन में बात करें तो कौन सा जिला आता है, तो आपको याद रखना है सागर जिला। कौन सा जिला आता है, सागर जिला आता है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कि सागर जिला के जस्ट बगल में आता है कौन सा जिला, तो आपको याद रखना है दमोह। कौन सा जिला आता है, दमोह जिला आता है। फिर बात करें सागर के जस्ट नॉर्थ में जो है यहां पास कौन सा जिला है, तो आपको याद रखना है निवाड़ी जिला। इसको इंग्लिश में निवाड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पास स्थित है, 1 अक्टूबर 2018 में इसे जो है मध्य प्रदेश का 52वां जिले का दर्जा दिया गया था, तो हाल ही में बनाया गया ये जिला है। आपको याद रखना है कि ये कहां पास स्थित है, तो सागर के जस्ट नॉर्थ में स्थित है। और निवाड़ी जिला के जस्ट जो है साउथ में कौन सा जिला स्थित है, तो इसको किस जिला से अलग करके जो है निवाड़ी जिला बनाया गया है, तो टीकमगढ़ जिला से अलग करके जो है नया जिला और प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी जिला बनाया गया है। तो यहां पास स्थित है कौन सा जिला, तो आपको याद रखना है टीकमगढ़ जिला। कौन सा जिला स्थित है दोस्तों, टीकमगढ़ जिला स्थित है, ये आपको याद रखना है। निवाड़ी जिला के अंतर्गत जो है ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी तीन तहसील आती हैं, और ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और एरिया के अकॉर्डिंग जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, ठीक ना। टीकमगढ़ के बाद बात करें कि यहां पास जो है कौन सा जिला आता है, तो आपको याद रखना है यहां पास आता है कौन सा जिला, तो छतरपुर, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पास स्थित है छतरपुर जिला, ठीक दमोह के नॉर्थ डायरेक्शन में। और छतरपुर के बगल में जो है कौन सा जिला स्थित है, तो आपको याद रखना है छतरपुर के बगल में जो है पन्ना डिस्ट्रिक्ट आता है। पन्ना के बगल में जो है ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा जिला आता है, तो आपको याद रखना है सतना जिला आता है। कौन सा जिला आता है, सतना जिला आता है। फिर बात करें सतना के बगल में जो है कौन सा जिला आता है, तो यहां पास स्थित है रीवा जिला। सफेद फेरों की भूमि कहा जाता है, विंध्य प्रदेश की राजधानी रह चुका है रीवा, तो रीवा जिला यहां पास स्थित है। ठीक रीवा के जस्ट बात करें कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा जिला है, तो आपको याद रखना है सिंगरौली जिला। कौन सा जिला है, सिंगरौली जिला है। कौन सा जिला है, सिंगरौली जिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक सिंगरौली के बगल में जो है वेस्ट डायरेक्शन में यहां पास स्थित है सीधी जिला। कौन सा जिला स्थित है, सीधी जिला स्थित है, ठीक है ना। ठीक सीधी के बगल में बात करें यहां पास स्थित है कौन सा जिला, तो आपको याद रखना है शहडोल जिला। कौन सा जिला स्थित है दोस्तों, शहडोल जिला स्थित है। कौन सा जिला स्थित है, शहडोल जिला स्थित है। और ठीक शहडोल के नीचे यहां पास स्थित है अनूपपुर जिला। कौन सा जिला स्थित है, अनूपपुर जिला स्थित है, ये आपको याद रखना है। बात करें शहडोल के बगल में जो है कौन सा जिला स्थित है, तो आपको याद रखना है उमरिया जिला स्थित है। कौन सा जिला स्थित है, उमरिया जिला स्थित है, जो कि शहडोल डिवीजन का ही पार्ट है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। 1998 में शहडोल जिले से अलग करके जो है अलग जिला बनाया गया था उमरिया जिला।
उमरिया के बगल में बात करें तो यहाँ पास स्थित है कौन सा जिला, तो आपको याद रखना है कटनी जिला, जो कि जबलपुर संभाग का पार्ट है। तो यहाँ पास स्थित है कटनी जिला, ये आपको याद रखना है। ठीक, कटनी के नीचे यहाँ पास बात करें तो कौन सा जिला स्थित है, तो आपको याद रखना है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट स्थित है। कौन सा जिला स्थित है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट स्थित है। और ठीक जबलपुर के नीचे स्थित है कौन सा, तो आपको याद रखना है मंडला जिला। कौन सा जिला स्थित है, मंडला जिला स्थित है यहाँ पास, ठीक जबलपुर के नीचे। और ठीक यहाँ पास स्थित है कौन सा जिला, तो आपको याद रखना है डिंडोरी जिला। कौन सा जिला स्थित है, डिंडोरी जिला स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, अगला आपको याद रखना है कि मंडला के ठीक नीचे, मंडला का एरिया जो है यहाँ तक आएगा, ठीक ना, आपको याद रखना है। ठीक ना, ठीक मंडला के नीचे यहाँ पास स्थित है कौन सा जिला, तो आपको याद रखना है बालाघाट जिला। कौन सा जिला स्थित है, बालाघाट जिला स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ठीक बालाघाट के बगल में बात करें बेस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पास कौन सा जिला स्थित है, तो आपको याद रखना है सिवनी जिला स्थित है। कौन सा है, सिवनी जिला स्थित है। सिवनी जिला के जस्ट में बात करूं कि सिवनी जिला के जस्ट जो है बेस्ट साइड में कौन सा जिला स्थित है, तो आपको याद रखना है छिंदवाड़ा जिला। कौन सा स्थित है, छिंदवाड़ा जिला, छिंदवाड़ा जिला। ठीक है ना, एरिया के अकॉर्डिंग जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा जिला। तो ये जो है सिवनी के जस्ट जो है बात करें तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्थित है। छिंदवाड़ा के ठीक ऊपर जो है यहाँ पास स्थित है नरसिंहपुर जिला। कौन सा जिला है स्थित है, नरसिंहपुर जिला स्थित है। कौन सा जिला स्थित है दोस्तों, नरसिंहपुर जिला स्थित है। ठीक बात करें नरसिंहपुर के जो है कौन से डायरेक्शन में, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो है कौन सा जिला स्थित है, तो यहाँ पास स्थित है आपको मिलेगा रायसेन। कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, रायसेन जिला मिलेगा। फिर रायसेन के ठीक नीचे स्थित है होशंगाबाद, जिसका वर्तमान में नाम हो गया है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम डिवीजन है, तो नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पास स्थित है। नर्मदापुरम के ठीक नीचे जो स्थित है यहाँ पास स्थित है बैतूल। कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्थित है, बैतूल जिला स्थित है, ये आपको याद रखना। बैतूल के ठीक जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो है यहाँ पास स्थित है हरदा जिला। कौन सा जिला स्थित है, हरदा जिला स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है हरदा के ठीक ऊपर जो है कौन सा जिला स्थित है, तो आपको याद रखना है सीहोर डिस्ट्रिक्ट स्थित है। कौन सा जिला स्थित है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट स्थित है। और सीहोर के ठीक नॉर्थ साइड में यहाँ पास स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कौन सी जो है जिला स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिला स्थित है। ये डिवीजन भी है भोपाल डिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर बात करें भोपाल के ठीक जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पास स्थित है राजगढ़। कौन सा जिला स्थित है, राजगढ़ जिला स्थित है। कौन सा जिला स्थित है दोस्तों, राजगढ़ जिला स्थित है। ठीक है ना, राजगढ़ के ठीक नीचे यहाँ पास स्थित है फाजापुर जिला। कौन सा जिला स्थित है, फाजापुर जिला स्थित है। फाजापुर जिला के ठीक नीचे यहाँ पास स्थित है देवास। कौन सा जिला स्थित है दोस्तों, देवास जिला स्थित है। देवास जिला के ठीक नीचे यहाँ पास स्थित है बुरहानपुर, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जिला स्थित है, बुरहानपुर जिला स्थित है। बुरहानपुर के ठीक बगल में देखें तो यहाँ पास जो जिला स्थित है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है बुरहानपुर के ठीक बगल में स्थित है यहाँ पास खंडवा, खंडवा, खंडवा डिस्ट्रिक्ट स्थित है। ठीक ना, खंडवा के ठीक बगल में स्थित है यहाँ पास कौन सा जिला, तो आपको याद रखना है खरगोन, खरगोन, खरगोन जिला स्थित है, ये आपको याद रखना है। खरगोन के ठीक ऊपर जो है नॉर्थ साइड में कौन सा जिला स्थित है, तो ये है इंदौर। कौन सा जिला स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश की जो है इकोनॉमिक कैपिटल कह सकते हैं, जिसे मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक ना, इंदौर के ठीक ऊपर जो स्थित है वो कौन सा जिला स्थित है, तो आपको याद रखना है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जिला स्थित है, उज्जैन, और उज्जैन एक डिवीजन भी है। कौन सा है, डिवीजन भी है उज्जैन। ठीक ना, उज्जैन के ठीक ऊपर स्थित है आगरमालवा, आगरमालवा। कौन सा जिला स्थित है दोस्तों, तो आगरमालवा जिला जो है स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आपको याद रखना है कि अगर मालवा के जस्ट हम जाएं कि नॉर्थ जो है वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा जिला स्थित है, तो आपको याद रखना है यहां पास स्थित है नीमच। कौन सा जिला स्थित है, आपको याद रखना है नीमच, चिफे मंदसौर से अलग करके बनाया गया था, तो नीमच जिला स्थित है, ये आपको याद रखना है। नीमच के ठीक नीचे स्थित है यहां पास मंदसौर। कौन सा जिला स्थित है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट स्थित है। मंदसौर के
ठीक साउथ डायरेक्शन में जो है कौन सा जिला स्थित है, तो आपको याद करना है रतलाम डिस्ट्रिक्ट स्थित है। कौन सा जिला स्थित है? रतलाम डिस्ट्रिक्ट स्थित है। फिर रतलाम के ठीक नीचे बात करें तो यहाँ पास स्थित है झाबुआ जिला। कौन सा जिला स्थित है? झाबुआ। झाबुआ के ठीक नीचे बात करें तो यहाँ पास स्थित है अलीराजपुर, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जिला स्थित है? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट स्थित है। अलीराजपुर के ठीक बगल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको याद रखना है धार जिला। कौन सा जिला स्थित है? धार जिला स्थित है। और धार के ठीक नीचे यहाँ पास स्थित है बड़वानी। कौन सा जिला स्थित है? बड़वानी, ये इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक ना, यहाँ पास बड़वानी लिख लो, ठीक ना, बड़वानी नहीं बोलते, बड़वानी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बड़वानी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों मध्य प्रदेश के सभी 52 जिले, मध्य प्रदेश के जो है सभी 52 जिले ये हैं, ठीक ना, ठीक ना। फिर से एक बार जो है रिपीट कर दें, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, यहाँ पास लिख देता हूँ, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, फिर दतिया, फिर श्योपुरी आ जाएगा, फिर गुना, फिर आ जाएगा अशोकनगर, फिर नीचे आ जाएगा कौन सा, नौवा विदिशा, और दसवा आ जाएगा सागर, फिर ग्यारहवा आ जाएगा कौन सा आ जाएगा निवाड़ी, बारहवा टीकमगढ़, तेरहवा जो आ जाएगा दमोह, 14 नंबर का हो जाएगा छतरपुर, फिर पन्ना, फिर सतना, फिर रीवा, फिर आ जाएगा सिंगरौली, सिंगरौली के बाद आ जाएगा सीधी, सीधी के बाद आ जाएगा शहडोल, शहडोल के बाद आ जाएगा उमरिया, उमरिया के बाद आ जाएगा कटनी, कटनी के बाद आ जाएगा जबलपुर, जबलपुर के बाद आ जाएगा मंडला, मंडला के बाद जो आ जाएगा अनूपपुर, अनूपपुर के बाद आ जाएगा डिंडोरी, डिंडोरी के बाद आ जाएगा बालाघाट, बालाघाट के बाद आ जाएगा सिवनी, सिवनी के बाद आ जाएगा छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद आ जाएगा नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद आ जाएगा कौन सा, तो आपको याद रखना है नरसिंहपुर के बाद आ जाएगा रायफेन, रायफेन के बाद आ जाएगा नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा बैतूल, बैतूल के बाद जो आ जाएगा हरदा, हरदा के बाद आ जाएगा सीहोर, सीहोर के बाद आ जाएगा भोपाल, भोपाल के बाद आ जाएगा कौन सा, तो आपको याद रखना है राजगढ़। ऐसे सिक्वेंस में आपको याद रखना है राजगढ़ के बाद जो आ जाएगा शाजापुर, कौन सा आ जाएगा शाजापुर, शाजापुर के बाद आ जाएगा देवास, देवास के बाद आ जाएगा बुरहानपुर, कौन सा आ जाएगा बुरहानपुर, बुरहानपुर के बाद आ जाएगा ये खंडवा, खंडवा को जो है पूर्वी निमाड़ और खरगोन को जो है पश्चिमी निमाड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। फिर आ जाएगा खरगोन, खरगोन के बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा इंदौर, इंदौर के बाद आ जाएगा उज्जैन, उज्जैन के बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा आगरमालवा, आगरमालवा के बाद आ जाएगा यहाँ पास आ जाएगा कौन सा नीमच, नीमच के बाद आ जाएगा मंदसौर, मंदसौर के बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा रतलाम, रतलाम के बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा झाबुआ, कौन सा आ जाएगा झाबुआ, झाबुआ के बाद आ जाएगा अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद आ जाएगा धार और धार के बाद आ जाएगा बड़वानी। तो ये थे 52 जिले मध्य प्रदेश के। वर्तमान में कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। तो इसको जो है आपको अच्छे से जो है याद रखना है और इस तरह से जो है आपको प्रैक्टिस करना है मैप बनाकर, ठीक ना, सभी जिले, ठीक ना, ए टू जेड, ठीक ना, अच्छे तरीके से जो है याद कर लेना, अच्छे से आपको जो है प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलरेडी जो है ये सभी जिले आपसे आने लगेंगे। अब जो है मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, तो मैं बता देता हूँ मध्य प्रदेश में जो टोटल संभागों की संख्या है वो 10 है। तो पहला बात कर लेते हैं कि श्योपुर, मुरैना और भिंड तीनों जो है को मिलाकर कौन सा संभाग का निर्माण किया गया है, तो ये चंबल संभाग, ये जो है सबसे छोटा संभाग है। फिर दूसरा जो संभाग आता है वो आता है ग्वालियर में, इसको जो है ब्लू कलर के जो है, ब्लू कलर के जो है मार्कर से कर देता हूँ ग्वालियर संभाग। फिर तीसरा जो आता है संभाग वो आता है सागर, सागर डिवीजन। फिर चौथे की बात करें तो चौथा जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा रीवा संभाग, रीवा। फिर पांचवा जो आ जाएगा शहडोल संभाग, शहडोल संभाग, शहडोल संभाग। फिर छठा जो आ जाएगा वो आ जाएगा जबलपुर संभाग, इसके अंतर्गत 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जबलपुर संभाग। कितने हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, है ना। फिर सातवा जो आ जाएगा वो आ जाएगा भोपाल संभाग, आठवा जो आ जाएगा वो आ जाएगा इंदौर संभाग, और नौवा जो आ जाएगा वो आ जाएगा उज्जैन संभाग, है ना, उज्जैन, और दसवा जो आ जाएगा वो नर्मदापुरम संभाग। तो ये 10 संभाग। तो देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो मध्य प्रदेश के 13 जिलों की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, और कौन कौन से जिले हैं, तो आपको याद रखना है पहला जो हो जाएगा मुरैना, दूसरा हो जाएगा भिंड, तीसरा हो जाएगा दतिया,
चौथा हो जाएगा शिवपुरी, पांचवा हो जाएगा अफोक नगर, छठा हो जाएगा फागर। इसकी सीमा नहीं लगती है, ये अफोक नगर की ही बाउंड्री लाइन है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। सातवा जो हो जाएगा निवाड़ी हो जाएगा, आठवा हो जाएगा टीकमगढ़, नौवा हो जाएगा छतरपुर, दसवा हो जाएगा पन्ना, ग्यारहवा हो जाएगा सतना, बारहवा हो जाएगा कौन सा ये रीवा, और तेरहवा नंबर जो हो जाएगा सिंगरौली की सीमा जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ लगती है, जबकि सीधी की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती, जबकि बल्कि जो है सीधी की सीमा ये छत्तीसगढ़ राज्य के साथ लगती है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो याद रखना है 13 जिले कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पास लिख देता हूँ। तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुरैना, मुरैना मुरैना जिला की सीमा लगती है। दूसरा जो हो जाएगा वो आ जाएगा कौन सा, तो आपको याद रखना है भिंड, भिंड। तीसरा हो जाएगा दतिया, चौथा हो जाएगा शिवपुरी, पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक नगर, छठा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो आपको याद रखना है सागर। सातवा जो हो जाएगा सागर के बाद क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका निवाड़ी। आठवा जो हो जाएगा टीकमगढ़, टीकमगढ़। नौवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा छतरपुर, छतरपुर। दसवा जो हो जाएगा वो कौन सा जिला हो जाएगा, तो आपको याद रखना पन्ना। ग्यारहवा हो जाएगा सतना, बारहवा हो जाएगा रीवा, और तेरहवा हो जाएगा सिंगरौली, सिंगरौली, ठीक है ना। तो ये 13 जिले जो है मध्य प्रदेश के अपनी सीमा किस राज्य के साथ साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साझा करते हैं। और मध्य प्रदेश की जो है लॉन्गेस्ट बाउंड्री है ना, लॉन्गेस्ट जो है बाउंड्री जो है किस राज्य के साथ लगती है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है। और जो है मध्य प्रदेश के 13 जिले जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, अगला जो हमारा आता है छत्तीसगढ़ राज्य, यहाँ पास गुजरात राज्य मिटा देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पास लिख लीजिएगा छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के साथ जो है मध्य प्रदेश के कितने राज्यों की सीमा लगती है, सॉरी कितने जिलों की सीमा लगती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ जो है मध्य प्रदेश के 7 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की सीमा लगती है, 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिलों की सीमा लगती है। उनमें से पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगरौली, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीधी, सीधी सीधी यहां पर एन नहीं होगा, ठीक ना, सीधी। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा शहडोल, शहडोल। चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनूपपुर, पांचवा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अनूपपुर के बाद जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा मंडला। मंडला की भी सीमा काफी बुक में लिखा हुआ है, मंडला जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है छत्तीसगढ़ के साथ, लेकिन मंडला जो है अपनी सीमा साझा करता है। ये लिख कर नोट डाउन और हाईलाइट कर लो कि मंडला जो है अपनी सीमा जो है छत्तीसगढ़ के साथ साझा करता है, ठीक है ना। काफी सारी बुक में आपको लिखा मिलेगा कि केवल 6 जिले ही जो है मध्य प्रदेश मतलब कि छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन जो एक्चुअल डाटा है वो आपको याद रखना है 7 डिस्ट्रिक्ट जो है ये जो है मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला छठवा आपको याद रखना है डिंडौरी, और अगला जो आपको याद रखना है सातवा जिला जो हो जाएगा बालाघाट, बालाघाट, ठीक है ना। तो सिंगरौली यहां पर देख लीजिएगा, सिंगरौली फिर आ जाएगा दूसरा सीधी, फिर शहडोल, फिर अनूपपुर, फिर आ जाएगा डिंडौरी, फिर आ जाएगा मंडला, फिर आ जाएगा सातवा बालाघाट। ये जो है सातों जिले जो है किस राज्य के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इनमें से जो है कोई भी जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जिला जो है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से एक जो ऑप्शन रहेगा इन जो है सातों में से एक रहेगा, बाकी जो 3 रहेंगे ऑड रहेंगे। तो जो सातों में से एक ऑप्शन रहेगा तो उस ऑप्शन पे क्लिक करना है जो डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। यदि ग्रुप में पूछेगा तो इस तरह पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से जिले जो है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, तो लिख देगा यहाँ पर लिख देगा सीधी, शहडोल, यहाँ पर रीवा,
है ना, यह लिख देगा फिंगरौली अनूपपुर मंडला, यह लिख देगा अशोक नगर फागर निवाड़ी। इस तरह से जो भी आपको याद रखना है मैप में, जो भी जिले छत्तीसगढ़ के साथ फीमा फायदा करते हैं उन्हीं जिलों पर जो है टिक कर देना है, ठीक ना। इस तरीके से जो है आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला जो हमारा स्टेट आता है मध्य प्रदेश के फीमा जो है साउथ वाली, मतलब कि दक्षिणी फीमा जो लगती है वो महाराष्ट्र राज्य के साथ लगती है। किस राज्य के साथ? महाराष्ट्र राज्य के साथ लगती है। और महाराष्ट्र राज्य के साथ जो है मध्य प्रदेश के कितने जिले अपनी फीमा बनाते हैं, तो आपको याद रखना है अगला स्टेट लिखना है तीसरा नंबर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य के साथ जो है मध्य प्रदेश के कितने जिले अपनी फीमा फाजा करते हैं, तो आपको याद रखना है 9 जिले जो है 9 डिस्ट्रिक्ट अपनी फीमा फाजा करते हैं मध्य प्रदेश। पहला जो आ जाएगा वो आ जाएगा बालाघाट, कौन सा जिला आ जाएगा? बालाघाट। दूसरा जो जिला आ जाएगा वो आ जाएगा फिवनी, फिवनी। तीसरा जो जिला आ जाएगा आपका वो कौन सा आ जाएगा? छिंदवाड़ा, कौन सा जिला आ जाएगा? छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। चौथा जो जिला आ जाएगा वो आ जाएगा बैतूल। पांचवा जो जिला आ जाएगा वो आ जाएगा बुरहानपुर। पांचवा, छठवा जो जिला आ जाएगा वो कौन सा जिला आ जाएगा, तो आपको याद रखना है खंडवा खरगोन दोनों है। सातवा जो आ जाएगा खरगोन, ठीक है ना। आठवां जो आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सा, तो आपको याद रखना है बड़वानी या बड़वानी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और नौवां जो आ जाएगा वो आ जाएगा अलीराजपुर, अलीराजपुर, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र राज्य के साथ मध्य प्रदेश के कितने जिले जो है फीमा फाजा करते हैं, तो 9 जिले फीमा फाजा करते हैं। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है बालाघाट, दूसरा आ जाएगा फिवनी, तीसरा आ जाएगा छिंदवाड़ा, चौथा आ जाएगा बैतूल, पांचवा आ जाएगा कौन सा, तो बुरहानपुर, छठा आ जाएगा खंडवा, सातवा आ जाएगा खरगोन, और आठवा आ जाएगा बड़वानी, और नौवा आ जाएगा कौन सा, तो अलीराजपुर। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से जो है आपको याद रखना है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश की सबसे जो है लोवेस्ट कह सकते हैं सबसे कम फीमा जो है किस राज्य के साथ लगती है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की जो है सबसे कम फीमा जो लगती है वो किस राज्य के साथ लगती है, तो आपको याद रखना है गुजरात राज्य के साथ लगती है। किस राज्य के साथ लगती है, तो आपको याद रखना है गुजरात राज्य के साथ जो है मध्य प्रदेश की सबसे कम फीमा लगती है। गुजरात राज्य के साथ जो है मध्य प्रदेश के कितने जिलों की फीमा लगती है, तो आपको याद रखना है 2 जिलों की फीमा लगती है। कौन कौन से जिले? तो आपको याद रखना है झाबुआ, झाबुआ और अलीराजपुर, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपनी फीमा फाजा करते हैं गुजरात राज्य के साथ, ठीक ना। तो आपको याद रखना है अगला स्टेट यहां पर चौथे नंबर पर लिखना है अगला गुजरात, गुजरात। गुजरात राज्य के साथ जो है मध्य प्रदेश के कितने जिले अपनी फीमा फाजा करते हैं? 2 जिले। कितने जिले? तो 2 डिस्ट्रिक्ट यहां पास आपको लिख लेना है, 2 जिले। 2 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला जो हो जाएगा आपका वो आ जाएगा झाबुआ, झाबुआ। दूसरा हो जाएगा अलीराजपुर, अलीराजपुर, ठीक ना। तो ये 2 जिले जो है झाबुआ और अलीराजपुर जो है, ये 2 जिले मध्य प्रदेश के अपनी फीमा जो है किसके साथ फाजा करते हैं? तो गुजरात राज्य के साथ फाजा करते हैं। जबकि बात करें अलीराजपुर जो है, ये अपनी फीमा जो है गुजरात राज्य के साथ भी और महाराष्ट्र राज्य के साथ भी फाजा करता है, ठीक है ना, अभी बाद में बताऊंगा। फिर अगला जो हमारा स्टेट आ जाता है वो आ जाता है 5वें नंबर का, और लास्ट आ जाता है वो आता है राजस्थान। बात करें राजस्थान राज्य के साथ जो है मध्य प्रदेश के कितने जिले अपनी फीमा फाजा करते हैं, तो राजस्थान राज्य के साथ जो है मध्य प्रदेश के 10 डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के जो 10 जिले हैं वो राजस्थान के साथ जो है अपनी फीमा फाजा करते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले जो है राजस्थान के साथ अपनी फीमा फाजा करते हैं, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के जो टोटल जो है 10 जिले जो है राजस्थान के साथ अपनी फीमा फाजा करते हैं। बात करें पहला जो जिला आ जाएगा वो आ जाएगा झाबुआ, झाबुआ। दूसरा जो जिला आ जाएगा वो आ जाएगा रतलाम, रतलाम, जो कि राजस्थान के साथ अपनी फीमा फाजा करता है। तीसरा जो जिला आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, तो आपको याद रखना है नीमच। चौथा जो जिला आ जाएगा वो आ जाएगा मंदसौर। चौथा जो जिला, पांचवा जो जिला आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, आगरमालवा। छठा जो आ जाएगा राजगढ़, इसको लिखते जाइएगा, ठीक है ना, राजगढ़।
सातवां जो आ जाएगा वो आ जाएगा गुना, आठवां जो आ जाएगा शिवपुरी, नौवां जो आ जाएगा शिवपुर और दसवां जो आ जाएगा मुरैना। मुरैना ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के जो 10 जिले हैं वो अपनी सीमा किस राज्य के साथ साझा करते हैं, तो राजस्थान राज्य के साथ साझा करते हैं। कौन कौन से? तो पहला झाबुआ, दूसरा रतलाम, तीसरा हो जाएगा नीमच, चौथा हो जाएगा मंदसौर, पांचवा हो जाएगा आगरमालवा, छठा हो जाएगा राजगढ़, सातवां हो जाएगा गुना, आठवां हो जाएगा शिवपुरी और नौवां हो जाएगा शिवपुर और दसवां हो जाएगा मुरैना। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश की ये सभी जिले हैं जो अपनी सीमा जो है किस राज्य के साथ साझा करते हैं, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के साथ साझा करते हैं। ठीक है ना, इसको जल्दी से जो है आप लोगों को नोट डाउन करना है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है किस राज्य के साथ लगती है, तो सबसे लंबी सीमा जो है मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है और मध्य प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट जो है इनकी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है। और बात करें मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ लगती है, तो मध्य प्रदेश के 7 जिलों की सीमा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ लगती है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के जो है कितने जिलों की सीमा महाराष्ट्र राज्य के साथ लगती है, तो मध्य प्रदेश के जो है 9 जिलों की सीमा महाराष्ट्र राज्य के साथ लगती है। मध्य प्रदेश की सबसे जो है छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो आपको याद रखना है गुजरात राज्य के साथ लगती है। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों की जो है सीमा गुजरात राज्य के साथ लगती है, तो 2 जिलों की सीमा जो है गुजरात राज्य के साथ लगती है, झाबुआ और अलीराजपुर। अगला आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा जो है राजस्थान के साथ लगती है, तो आपको याद रखना है 10 जिलों की सीमा जो है राजस्थान के साथ लगती है और ये झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, शिवपुर और मुरैना। ठीक है ना, अब अगला आपको क्या याद रखना है, अगला आपको याद रखना है, होप आप लोगों ने जो है इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से जो है इसको लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जल्दी से जो है इसको लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है ना, तो होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको जो है मिटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब आगे क्या लिखना है आपको, आगे जो है आपको क्या लिखना है, तो मध्य प्रदेश के जो है 5 महत्वपूर्ण जिलों के बारे में लिखना है। ठीक है ना, तो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, मध्य प्रदेश का जो है कौन सा जिला जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है, मतलब दोनों राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। यहां पाफ लिख देता हूं कि यहां पाफ लिख लीजिएगा कि यहां पाफ जो है आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश फेयर बाउंड्री विथ उत्तर प्रदेश। अब आप लोगों को बोला जाए कि यहां पाफ मुरैना है, अब मान लो मैं ऑप्शन पे दे देता हूं शिवपुर, भिंड, चौथे ऑप्शन पे दे देता हूं अशोकनगर और पांचवें ऑप्शन पे दे देता हूं शिवपुरी। अब बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि मुरैना जो जिला है ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों के साथ सीमा साझा करता, लेकिन आपने तो ऑप्शन पे मुरैना दिया ही नहीं, तो क्या ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है या कि इनमें से कोई ऑप्शन जो है सही है? तो देखो दोस्तों, यदि आपके मुरैना ऑप्शन नहीं है, एग्जामिनर जो देगा एक ही देगा और इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवपुरी। शिवपुरी यहां पर स्थित है और शिवपुरी जो है मुरैना के अलावा जो है शिवपुरी एक ऐसा जिला है जो अपनी बाउंड्री सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ भी और राजस्थान राज्य के साथ भी साझा करता है। और यदि मुरैना भी ऑप्शन पे दे दे तो दोनों आंसर जो है राइट हो जाएंगे, दोनों आंसर राइट हो जाएंगे, मतलब कि मध्य प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं मुरैना और शिवपुरी जो कि अपनी सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ साझा करते हैं। ठीक है ना, आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो यहां पर आप लिख लीजिए कि शिवपुरी एंड मुरैना अपनी सीमा किन किन राज्यों के साथ साझा करते हैं, तो आपको याद रखना है राजस्थान प्लस
उत्तर प्रदेश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना, दोनों राज्य के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। बात करें कि जो है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है अपनी सीमा जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ साझा करता है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो है सिंगरौली जिला, कौन सा जिला, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट जो है अपनी बाउंड्री जो है किसके साथ साझा करता है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के साथ भी और उत्तर प्रदेश के साथ भी साझा करता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये पहला नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर, ठीक है ना। तीसरा नंबर में आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो अपनी सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ जो है साझा करता है, आपको याद रखना है यहां पर स्थित है बालाघाट, बालाघाट जिला जो है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट जो है अपनी सीमा जो है किसके साथ साझा करता है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के साथ भी, महाराष्ट्र राज्य के साथ भी, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला जो अपनी सीमा जो है महाराष्ट्र के साथ भी और छत्तीसगढ़ के साथ भी साझा करता है, तो आपको याद रखना है बालाघाट जिला जो है ये अपनी सीमा जो है छत्तीसगढ़ के साथ भी और महाराष्ट्र के साथ भी साझा करता है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है अपनी सीमा गुजरात के साथ भी और महाराष्ट्र के साथ भी साझा करता है, तो अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का जो है अलीराजपुर जिला जो है अपनी सीमा गुजरात के साथ भी और महाराष्ट्र राज्य के साथ भी साझा करता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जो है कौन सा जिला जो है अपनी सीमा जो है गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों के साथ साझा करता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का जो है झाबुआ जिला जो है ये अपनी सीमा जो है गुजरात प्लस राजस्थान दोनों राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है, दोनों राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के कौन से दो जिले अपनी सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ साझा करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवपुरी और मुरैना। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है अपनी सीमा जो है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ साझा करता है, सिंगरौली। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है अपनी सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ साझा करता है, तो आपको याद रखना है बालाघाट। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है अपनी सीमा गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के साथ साझा करता है, अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है अपनी सीमा गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों के साथ साझा करता है, तो राइट आंसर जगह झाबुआ, कौन सा राइट आंसर जगह झाबुआ इज राइट आंसर, ये आपको याद रखना है, जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से जो है इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। होप आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। अब एक एक करके जो है हम पढ़ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है कितने संभाग हैं, तो यहाँ पास में लिख देता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो टोटल डिवीजन है वो कितने हैं, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो टोटल संभागों की संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 10 है। तो टोटल डिवीजन इन मध्य प्रदेश, टोटल कितने हैं, 10 डिवीजन है, कितने डिवीजन है दोस्तों, 10 संभाग है, ठीक ना। पहला जो संभाग हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चंबल संभाग, कौन सा हो जाएगा, चंबल डिवीजन, कौन सा डिवीजन हो जाएगा दोस्तों, चंबल डिवीजन हो जाएगा। दूसरा जो डिवीजन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ग्वालियर डिवीजन, ग्वालियर संभाग, ठीक ना। तीसरा जो हो जाएगा आपका कौन सा संभाग हो जाएगा, तो तीसरा जो हो जाएगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, फागर संभाग, फागर डिवीजन। चौथा जो डिवीजन हो जाएगा वो कौन सा डिवीजन हो जाएगा, तो आपको याद रखना है फागर के बाद आ जाएगा रीवा डिवीजन, कौन सा डिवीजन, रीवा डिवीजन। पांचवा जो डिवीजन हो जाएगा वो रीवा के बाद क्या आ जाएगा, तो आपको याद रखना है फहडोल डिवीजन। 2008 में बनाया गया था फेडरल डिवीजन को। छठवां जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है जबलपुर डिवीजन। सातवां जो हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदापुरम डिवीजन, नर्मदापुरम डिवीजन, नर्मदापुरम डिवीजन। और आठवां जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, उज्जैन डिवीजन। 7 जिले आते हैं इस डिवीजन के अंतर्गत। और आठवां के बाद नौवां जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंदौर डिवीजन,
और दसवां जो हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल डिवीजन। कौन सा डिवीजन आ जाएगा? भोपाल डिवीजन, ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश के 10 डिवीजन है। कौन कौन से डिवीजन है तो आपको याद रखना है, चंबल डिवीजन, ग्वालियर डिवीजन, तीसरा हो जाएगा फागर डिवीजन, चौथा हो जाएगा रीवा डिवीजन, पांचवा हो जाएगा शहडोल डिवीजन, और छठा हो जाएगा जबलपुर डिवीजन, और सातवां हो जाएगा नर्मदापुरम डिवीजन जिसका पुराना नाम होशंगाबाद डिवीजन था, और आठवां हो जाएगा उज्जैन डिवीजन, नौवां हो जाएगा इंदौर डिवीजन, और दसवां हो जाएगा भोपाल डिवीजन। इस तरह से आपको याद रखना है। बात करें चंबल डिवीजन के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं चंबल डिवीजन के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है ग्वालियर डिवीजन के अंतर्गत जो है 3 जिले कौन कौन से आ जाएंगे, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ठीक ना। ग्वालियर डिवीजन के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इनको मैं अच्छे से लिखा दूंगा फिर, है ना। तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, ये 5 जिले आते हैं। फागर संभाग के अंतर्गत जो है कितने डिवीजन आते हैं तो आपको याद रखना है, फागर संभाग के अंतर्गत जो है 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं, ये आपको याद रखना। फागर हो गया, है ना, दमोह हो गया, है ना, छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया, टीकमगढ़ हो गया, निवाड़ी, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये फागर जो है संभाग के अंतर्गत आते हैं। रीवा जो है डिवीजन, रीवा संभाग के अंतर्गत जो है 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे? सतना, रीवा, सिंगरौली और सीधी, ये 4 जिले जो है रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। शहडोल संभाग के अंतर्गत जो है 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो शहडोल हो गया, उमरिया हो गया, और तीसरा जो हो जाएगा अनूपपुर हो जाएगा। जबलपुर संभाग के अंतर्गत जो है 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? जबलपुर हो गया, कटनी हो गया, मंडला हो गया, डिंडौरी हो गया, बालाघाट हो गया, सिवनी हो गया, नरसिंहपुर हो गया, है ना, ये हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। बात करें नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत जो है 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन सा? नर्मदापुरम हो गया, हरदा हो गया और बैतूल हो गया, ये तीनों जिले जो है किसके अंतर्गत आते हैं? नर्मदापुरम जो है डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। बात करें जो है उज्जैन डिवीजन के अंतर्गत जो है 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उज्जैन हो गया, ये है ना, आगरमालवा हो गया, रतलाम हो गया, फाजापुर हो गया, है ना, ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं? उज्जैन के अंतर्गत आते हैं। देवास भी जो है इंदौर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखना, ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है भोपाल के अंतर्गत जो है कितने जो है जिले आते हैं, तो आपको याद रखना 5 डिवीजन आते हैं। भोपाल के अंतर्गत कितने डिवीजन आते हैं? तो 5 डिवीजन आते हैं, ये आपको याद रखना है। पहला तो हो जाएगा भोपाल, फिर राजगढ़, फिर हो जाएगा रायसेन, फिर सीहोर हो जाएगा और विदिशा, ये जो है 5 डिस्ट्रिक्ट जो है किसके अंतर्गत आते हैं? भोपाल जो है डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। बात करें उज्जैन डिवीजन के अंतर्गत जो है कितने जो है जिले आते हैं मध्य प्रदेश के, तो उज्जैन सॉरी इंदौर डिवीजन के अंतर्गत जो है कितने मध्य प्रदेश के जिले आते हैं? तो 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इंदौर के अंतर्गत। धार हो गया, खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, बुरहानपुर हो गया, बड़वानी हो गया, ये जो है झाबुआ जो है उज्जैन के अंतर्गत सॉरी इंदौर के अंतर्गत ही आता है, और अलीराजपुर, ये 8ों डिस्ट्रिक्ट जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो इंदौर डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से याद रखना है आपको, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नॉर्मली तौर पर कि चंबल डिवीजन के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। ग्वालियर डिवीजन के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 डिवीजन कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और फागर जो है डिवीजन, फागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। शहडोल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। जबलपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 8 जिले आते हैं। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, और उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, और भोपाल संभाग के अंतर्गत जो है 5 जिले आते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का क्लास, मैप ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो है मानचित्र के बारे में, और यहाँ जो है मध्य प्रदेश के मैप में जो है कौन सा जिला कहाँ पास स्थित है, कितने जिले हैं, कौन से जिले की सीमा किस राज्य के साथ लगती है, कितनी जिलों की सीमा लगती है ना, कितने संभाग हैं और किस संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ ली है। होप आपको अच्छा लगा होगा, और ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे MBPSC के एग्जाम में बैठे, चाहे व्यापम के एग्जाम में बैठे, चाहे व्यापम के द्वारा कराया जाने वाला किसी भी एग्जाम में बैठे हैं मध्य प्रदेश के, उन सभी एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आज की क्लास दोस्तों। यहां पे एक नंबर का क्वेश्चन तो मिनिमम बोल रहा हूं, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसको अच्छे से जो है आपको प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है मैप की, ठीक ना। निश्चित ही जो है इस क्लास का जो है आपको ज़्यादातर जो है एडवांटेज मिलने वाला है आपके एग्जाम में। तो यदि आपको कोई डाउट होता है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है,
किफन GF9, यहाँ पर जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट सीधे मुझे जो है डायरेक्ट DM कर सकते हैं, ठीक ना, मैसेज कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से मैं आपका जो है डाउट सॉल्व करूंगा, यदि डाउट सॉल्व नहीं हो तो वीडियो बनाकर भी जो है डाउट जो है सॉल्व करूंगा, ठीक ना। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इस टॉपिक की अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।